नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सी टेट देने जा रहे हैं, पी एस टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और के वी एस की प्रेपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। आज हम ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं रिवीजन के लिए, जिससे हमारी जो पूरी रिवीजन है ज्योग्राफी के जितने हमारे टॉपिक हैं सी टेट में उनकी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इससे पहले जो हमने सी टेट की कुछ वीडियो अपलोड की है उनकी हेल्प से जो प्रेपरेशन है वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने जितने टॉपिक हैं सी टेट में सभी से में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं नियर अबाउट हम 70+ जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ओजोन परत, ओजोन लेयर है जो जो हमें प्रावैंगनी किरणों से बचाती है जो कि बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए, और उनसे जो है ज़्यादातर जो चमड़ी का कैंसर है वो हो जाता है, के अधिक क्षति पहुंचा रही है। सो सबसे ज़्यादा उनको नुकसान कौन पहुंचा रही है, क्लोरोफ्लोरो CFC जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, और ये जो गैसें हैं वो हमारे जो रेफ्रिजरेटर हैं और जो हमारे AC हैं उनमें से निकलती है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक सूत्र क्या है ओजोन का, तो वो है O3। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक गैसें हैं। सो हम जानते हैं कि वायुमंडल जो है वो अलग अलग जो गैसों का मिश्रण है जो हवा है, तो उसमें सबसे अधिक गैसें हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मात्रा पूछी जाए तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78.8% और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20.94% है, और इसे जो है 21% भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो कितनी है तो 21% है। और यहाँ पे ये भी है कि हमारे जो सांस लेने के लिए ज़रूरी कौन सी गैस है, हम जानते हैं ऑक्सीजन है, उसी तरह पौधों के लिए जो सबसे अधिक ज़रूरतमंद गैस है वो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायुमंडल वायुयान उड़ाने के लिए अदृश्य दशा किस परत में पाई जाती है, तो वायुमंडल जो उड़ाए जाते हैं वो उड़ाए जाते हैं जी समताप मंडल में, और स्टेथोस्फेयर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गैस जो हरित ग्रहत प्रभाव पैदा करती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि धरती का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब जिसे हम बैरोमीटर से नापते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि वायुदाब को मापने के लिए किस यंत्र की वर्तों की जाती है, तो वो वायु बैरोमीटर है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जब हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें, तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है, घटता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6th, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो वो है शोभ मंडल ट्रेसोस्पेयर, क्योंकि जितनी भी जैसे कि हवा का चलना, बादलों का बनना, सब जो होता है वो इसी परत में होता है। सबसे ज़्यादा हिलजुल जो होती है वो शोभ मंडल में होती है, ट्रेसोस्फेयर में होती है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है जो हवा में, तो वो है 0.03%। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। सो संचार उपग्रह जिनकी हेल्प से हमारा जो टीवी वगैरह है या वायरलेस सेट हैं, जितने भी वायरलेस वस्तुएं हैं हमारी चलती हैं जैसे फ़ोन वगैरह हैं, तो किस में जो अवस्थित किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं आयन मंडल में, आयनोस्फेयर में। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि बिजलई अणु जिनकी हेल्प से जो हमारी रेडियो वेव्स हैं वो काम करती हैं, तो किस में पाए जाते हैं, तो रेडियो वेव्स किस जो मंडल है हवा का जिसमें बिजलई अणु जो अणु है वो पाए जाते हैं जिसकी वजह से काम करते हैं, तो वो आयन मंडल में रेडियो वेव्स जो काम करती हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है सूरज का तापमान धरती पर पहुंचता है, तो सूरज का जो प्रकाश, यहाँ पे तापमान लिखा हुआ है, प्लीज इसे प्रकाश पढ़ना, कि सूरज का जो प्रकाश है वो धरती पर कितने समय में पहुँचता है, तो वो पहुँचता है 8.3 मिनट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है सूर्य जो है गर्मी कैसे पैदा करता है,
तो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर जो है गर्मी पैदा करता है। सो सूर्य पर जो है हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती रहती है, जिसके कारण जो गर्मी पैदा होती है। और यही दो प्रमुख गैसें भी हैं सूर्य पर, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, सूर्य की बाहरी परत का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ग्रहों का, जिसमें से कि प्लैनेट का, जिसमें से हर साल जो है एक दो क्वेश्चन आता है। तो कुल गिनती कितनी है ग्रहों की, हम जानते हैं कि 8 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध, मरकरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। शुक्र जो है, वीनस जो है, वो सबसे चमकीला और सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है शुक्र। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो है किस ग्रह को कहा जाता है, जहाँ पृथ्वी की जुड़वां बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो भी शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है जी, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल, मार्स को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है जी, किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, जो पहले जो हमारे ग्रह हैं उनके उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, और ये मरकरी और वीनस के जो हैं उपग्रह नहीं है, ये दोनों की खासियत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डिमोस और फिबोस किसके उपग्रह हैं? तो ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिमोस और फिबोस जो हैं किसके उपग्रह हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो है फिबोस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह और सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह। यहाँ पे याद रखना, सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह, और इसके जो है 62 उपग्रह हैं, तो वो किसके हैं? बृहस्पति, जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे भारी है, और सबसे ज्यादा जो इसके उपग्रह हैं वो है 62 है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा जो उपग्रह वो है गिनीमैंड है, जो कि पीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो जो शनि है वो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है हमारा, टाइटन क्या है? तो टाइटन क्या है, ये शनि का उपग्रह है जी, जो टाइटन है। नेक्स्ट है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो कोल्डेस्ट जो प्लैनेट है वो है वरुण, और ये सूरज से सबसे, जो अगर पूछा जाए कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वो भी वरुण है, नेपच्यून है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, अपनी धुरी पर सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो भी बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर, वो अपनी धुरी पर सबसे अधिक समय में चक्कर लगाता है, और वो लगाता है 9.8 घंटे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, प्लूटो को सबसे कब ग्रह सूची से निकाला गया? तो प्लूटो जो है, पहले से जो ग्रहों की गिनती है, प्लैनेट्स की गिनती है, वो 9 मानी जाती थी, लेकिन 24 अगस्त 2006 को जो है प्लूटो है उसको ग्रह सूची से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये जो ग्रह के मापदंड हैं उनको पूरा नहीं करता, और ये जो है आकार में एक तो चांद से भी छोटा है, और दूसरा जो और मानदंड है ग्रह के वो भी पूरे नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा 26, धरती किस दिशा में घूमती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो धरती जो है वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो है वो घूमती है। और यहाँ पे बता दें कि धरती की जो है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी गतियाँ हैं, तो दो गतियाँ हैं, जिसे हम कहते हैं दैनिक और वार्षिक गति। दैनिक गति जो होती है वो 24 आवर्स में धरती जो अपनी धुरी के, अपने अक्ष के इर्द गिर्द जो घूमती है, और धरती का एक ही उपग्रह है वो चंद्रमा है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो दूसरा है जिसे हम कहते हैं वार्षिक गति, जिसके कारण जो ऋतु में परिवर्तन आता है, वार्षिक गति, जो धरती अपना जो वार्षिक गति है सूरज के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाती है उसको वार्षिक गति कहते हैं,
और ये जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, 365 सही 1/4 जो दिन है इनमें लगाती है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27, पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी का जो आकार है वो है अंडाकार है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 28, ग्लोब के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि ग्लोब जो है वो धरती का मॉडल है, और इसके जो ऊपरी हिस्सा है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो नीचे वाला है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोब के मध्य में से पूर्व से पश्चिम की ओर, ये हमने याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा, मध्य में से जो ग्लोब है उसके बिल्कुल मध्य में से एक रेखा खींची गई है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है विषुवत, या हम कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर उसे कहा जाता है, और उसका जो मान है वो 0 डिग्री है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं। सो पूर्व की पश्चिम की ओर जो कल्पित रेखाएं खींची गई हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है जी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं लैटीट्यूड, और इनकी टोटल संख्या 188 है, विद इक्वेटर भूमध्य रेखा के समीप। वैसे हम अगर बात करें, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है यहाँ से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यहाँ से जो ऐसे इसके पैरेलल जो समानांतर रेखाएं खींची गई हैं भूमध्य रेखा के, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनको जो है लैटीट्यूड कहा जाता है, और इनकी ये जो हैं वो 90 हैं उत्तरी ध्रुव में, और 90 ही हैं दक्षिणी ध्रुव, नीचे होता है ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव होता है। तो 90 उत्तरी ध्रुव में है और 90 ही जो दक्षिणी ध्रुव में है, और इसमें अगर हम भूमध्य रेखा को मिला देते हैं तो इनकी जो टोटल संख्या है 188 हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है। तो ये होती है 111 किलोमीटर। यहाँ में जो है कुछ और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई स्थान जो है भूमध्य रेखा से, उदाहरण के तौर पर भूमध्य रेखा से जो है 4 डिग्री अक्षांश पर है तो वो कितना दूर होगा, कितनी किलोमीटरों में उसकी कितनी दूरी होगी। तो हम 4 को जो है 111 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है 444 किलोमीटर निकल आएगा। तो इससे जो है अक्षांशों का हमें जो लाभ है लैटीट्यूड का, वो ये है कि हम इससे जो है किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से कितना वो दूर है ये नाप सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 0 से 28.5 डिग्री उत्तर में खींची अक्षांश अर्थात लैटीट्यूड को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कर्क रेखा, जहाँ हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इस क्वेश्चन को भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। तो हमने सिर्फ ये याद रखना, या तो ये पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा जो है किस ध्रुव में है, तो उत्तर में खींची गई है तो उत्तरी ध्रुव में, ठीक है जी। तो ये 23.5 कितने पर है, तो 23.5 डिग्री पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, 23.5 डिग्री दक्षिण में खींची गई जो अक्षांश है लैटीट्यूड, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मकर रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैरपोरन कहा जाता है। सो ये हमने जो है ध्यान में रखना है कि उत्तर में जो खींची गई है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिण में खींची गई है उसे मकर रेखा कहते हैं, और दोनों का जो मान है वो 0 से 23.5 डिग्री है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 34 नंबर, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है दिशांतर, लॉन्गिट्यूड। सो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये हमारा ग्लोब है और ये हमारा इसका उत्तरी ध्रुव है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है, नीचे का जो है वो दक्षिणी ध्रुव है, और जो उत्तर से ऐसे दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं
इनको जो है दिशांतर कहा जाता है, और ये इनसे जो है हम किसी भी स्थान की जो पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी दूरी है वो पता लगा सकते हैं, और दूसरा जो है इससे किसी भी स्थान का जो है स्थानक समा जिसे हम कहते हैं वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 0 डिग्री दिशांतर और प्रमुख यमयोत्तर गुजरती है। सो कहाँ से गुजरती है 0 डिग्री जो दिशांतर है, तो वो ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड में है वहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट है दिशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो 360 है। यहाँ पे जो है 180 पूर्व में और 180 जो है पश्चिम में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, एक दिशांतर से दूसरे दिशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। सो एक दिशांतर से दूसरे दिशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो वो 4 मिनट का होता है। अगर कोई स्थान पूर्व में है तो वो जो ग्रीनविच स्थान है उससे जो 4 मिनट आगे, और अगर कोई स्थान जो है पश्चिम में है तो वो जो ग्रीनविच में जो समय है उससे 4 मिनट पीछे होगा। एक दिशांतर पर एक दिशांतर जो 4 मिनट का फर्क होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का स्थानीय समय किस दिशांतर के अनुसार है, तो ये है 82.5 डिग्री पूर्व, जो कि विंध्याचल शहर मिर्ज़ापुर जो कि नैनी इलाहाबाद के नज़दीक से गुजरती है उसके अनुसार जो है जिसे प्रमाणित जो है दिशांतर कहा जाता है उसके अनुसार है 82.5 दिशांतर के और पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट के अनुसार जो है वो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भारत का प्रमाणित समय मध्य रेखा से कितना आगे है। सो जो ग्रीनविच में स्थान है उससे कितना आगे है, क्योंकि भारत पूर्व में है, तो हमने अभी बात की थी कि जो स्थान पूर्व में है वो पर दिशांतर एक दिशांतर 4 मिनट आगे होगा, तो भारत कितनी डिग्री पर स्थित है 82.5 पर, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 82.5 को जो है मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो जो आंसर है वो आएगा 330 मिनट आगे, तो जो जब हम इसे घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट। सो इस तरह से आप इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे अगर पश्चिम में पूछा जाता है और जहाँ पूर्व में पूछा जाता है तो उससे जो है हम समय निकाल सकते हैं, और इसकी पूरी एक वीडियो अपलोड है कि कैसे हमने ये करना है। नेक्स्ट है जी, IST और GMT का क्या अर्थ है, तो IST का जो अर्थ है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT का जो अर्थ है वो है ग्रीनविच मेरिडेनियन टाइम। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 41, भारत में से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत में से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, और भारत के लगभग 8 राज्यों में से ये गुजरती है जिसमें है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है 42, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर जिसका जो एरिया है वो है 16.6 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 43, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो है आर्कटिक। क्वेश्चन नंबर 44 है, समुद्री जल में नमक की मात्रा होती है, तो 35% जो है मात्रा होती है, अगर हम 1 लीटर लेंगे समुद्री जल तो उसमें से जो है 35 ग्राम जो है वो नमक निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है जी, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो जो समुद्र का पानी है सागरीय जल है वो दिन में बड़े नेम से जो है 2 बार ऊपर आता है और नीचे जाता है, इसको जो है ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल सागरीय ऊपर उठकर आगे बढ़ता है आता है तो उसे ज्वार, और जब पीछे लौटता है तो उसे भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है, तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है वो चीन में होता है, वो विश्व का जो है 36% चावल पैदा करता है, और दूसरे नंबर पर भारत है जो विश्व का 20% जो चावल पैदा करता है।
क्वेश्चन नंबर 47 है जी, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू पैदा करने में भारत का स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है जी, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू पैदा करने में। क्वेश्चन नंबर 48 है, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो वो कपास की पैदावार के लिए अच्छी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, और वह ये जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा और गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रेशेदार फसलें क्या होती हैं, जैसे कि कपास, पटसन, नारियल, ये जो है रेशेदार फसलें हैं, और इनसे जो है टाट, बोरियाँ वगैरह ये बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, पेय फसलें कौन सी होती हैं, तो पेय फसलें जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोको हो, ये जो हैं पेय फसलें हैं। और नेक्स्ट है हमारा 51, रबी की फसलें कौन सी होती हैं, तो रबी की जो फसलें होती हैं वो होती है गेहूं, चना, जौ, सरसों, इनको जो है अनाज फसलें भी कहा जाता है, और इनकी जो बिजाई है वो की जाती है नवंबर में अप्रैल से। सो ये गलती से थोड़ा ऊपर लिखा गया, प्लीज़ इसे ध्यान से देख लेना कि रबी की जो फसलें हैं वो नवंबर से जो अप्रैल तक है ये होती हैं, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में इनकी बिजाई होती है और अप्रैल मई में जो है इनको काट लिया जाता है। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, तो चावल, बाजरा, कपास, गन्ना, ये जो हैं खरीफ की फसलें हैं, और इनकी बिजाई जो है, जो ये पैदा होती हैं जून से अक्टूबर तक, इनकी जो इनको बोया जाता है वो बोया जाता है जून जुलाई में, और इनको जो है अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व में पटसन की अधिक पैदावार कौन से देश करते हैं सबसे ज़्यादा, तो भारत और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो है पटसन पैदा करते हैं, और भारत में पश्चिमी बंगाल जो कि 90% पैदा करता है पटसन, पूरा जो भारत पटसन पैदा करता है उसका, तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा पटसन कहाँ पैदा होती है तो वो पश्चिमी बंगाल में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कॉफ़ी का जन्मदाता किसे किस देश को कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है कॉफ़ी का जन्मदाता कहा जाता है, और इथोपिया में जो इसकी शुरुआत हुई थी, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है कॉफ़ी का, तो वो ब्राज़ील में होता है, 25% जो विश्व की कॉफ़ी है वो ब्राज़ील में पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, दालों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो पहला स्थान है भारत का दालों के उत्पादन में। तो ये जितने हमारे टॉपिक थे सीटेट के, उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक ज़रूर कर देना, और बहुत जल्दी ऐसी ही हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो भी हम अपलोड करेंगे। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो एशिया है, और सबसे जो बड़ा देश कौन सा है तो वो रूस है। सो ऐसे क्वेश्चन भी इसके साथ आप जो है जीके के जोड़ सकते हैं इसके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।